एनसीबी की एक टीम ने ड्रग पार्टी के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी को जानकारी मिली थी कि मुंबई से गोवा जाने वाले एक शिप में ड्रग पार्टी होने वाली है। उस इनपुट के आधार पर एनसीबी के कुछ ऑफिसर यात्री बन शिप में सवार हो गए और अब पिछले 7 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है। मुंबई के पास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। इसमें सवार एक बड़े एक्टर के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बारे में एनसीबी ने अब तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। एनसीबी ने यह रेड को रदलादय प्रेस नाम की शिप पर मारी है। ये कार्रवाई कई घंटे से जारी है। एनसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि एक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसके बाद अधिकारी पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हो गए। शनिवार को रेव पार्टी चलते वक्त उन्होंने रेड मारी। अब तक की जानकारी के मुताबिक शिप से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुई है। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बरामद ड्रग्स एमिडिकोक और हशिश है। यात्री बनकर क्रूज पर सवार हुए थे। एनसीबी के लोग जानकारी के मुताबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को लीड किया। वे अपनी टीम के साथ मुंबई में उस शिप पर सवार हो गए थे। शिप बीच समुद्र में पहुंचा तो वहां ड्रग पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में लोगों को ड्रग्स लेते देख टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। छापेमारी की कार्रवाई जारी है और पकड़े गए सभी लोगों को रविवार को मुंबई लाया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर गद्दे में पकड़ी गई थी 5 करोड़ की ड्रग्स आज की कार्रवाई से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को एनसीबी ने गद्दे में छिपाकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ड्रग्स भेजने के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए करीब 5 करोड़ कीमत की फीड्रिन ड्रग्स बरामद की थी। हैदराबाद से आया गद्दे का एक पैकेट मुंबई एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा जाना था, लेकिन एनसीबी अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। गद्दे की तलाशी ली गई तो उसमें रूई के बीच 4 किलो 600 ग्राम इफीड्रिन मिला। पिछले कुछ महीनों में 5 ऐसे मामले पकड़े जा चुके हैं जहां गद्दे में ड्रग्स छिपाकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजे जा रहे थे। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि 30 सितंबर को अंधेरी इलाके में कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा गद्दे का पैकेट पकड़ा गया था। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के कई स्टार्स भी फंसे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड ड्रग केस में अब तक कई बड़े स्टार्स से एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है, जिसमें अभिनेता अर्जुन रामपाल, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर शामिल है। इसके अलावा अभिनेता अरमान कोहली, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, अभिनेता एजाज खान, टीवी कलाकार गौरव दीक्षित को अरेस्ट किया गया है। मुद्रा बंदरगाह पर पकड़ी गई थी 20,000 करोड़ की ड्रग्स पिछले सप्ताह अफगानिस्तान से तस्करी के लिए भारत आई करीब 3 टन हेरोइन को गुजरात के मुद्रा बंदरगाह से जब्त किया गया था। ये कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ओर से की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई गई थी। ड्रग्स हेरोइन को 2 कंटेनरों में रखा गया था जिसमें पाउडर रखे होने की बात लिखी गई थी। एजेंसी का कहना है कि 2 कंटेनरों में हेरोइन को ईरान से लादा गया था। एक कंटेनर में 2000 किलो और दूसरे कंटेनर में 1000 किलो हेरोइन थी। ये अफगानिस्तान की हेरोइन है जिसे गुजरात बंदरगाह पर भेजा गया।